ये बात नहीं रुआ जी, ये बात, पतंग को सभी उड़ा लेते हैं, गाड़ी को बॉलीवुड, आदमी को साउथ, और लॉजिक को टीवी सीरियल, और जो इन सबको उड़ा दे उसे ही तो कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री। अगर मेरी बातों पर नहीं आ रहा है यकीन तो हाँ कि शेयर करता ये ऑटो रिक्शा आपके सामने लाइव उदाहरण। ग्रेविटी के साथ किया जा रहा है इसे घोर अन्याय, इसे देखकर तो न्यूटन भी पछता रहा होगा कि काश उस दिन सेब के पेड़ की जगह नारियल के पेड़ के नीचे बैठा होता और उस नारियल से मेरा दिमाग खुल जाता तो आज यहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो हे गाइस, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। भले ही मेरे चैनल का इंट्रो ना हो खास, लेकिन भोजपुरी हीरो की एंट्री और साथ में डायलॉग का लगा तड़का एंट्री बन गई एकदम तगड़ी। रुद्र रूप शिव शंभू के हम सबसे बड़ा पुजारी, केहू बाल न बाका कर पाए, हम हैं इच्छाधारी। ये जी आदमी है, फुटबॉल थोड़ी है जो से टपा टप टपा टप उछाल रहे हो, पटक रहे हो, उछाल रहे हो, पटक रहे, साथ में सब बकवास डायलॉग मार रहे हो। अब यहाँ पर सीन है कुछ ऐसा, लड़कियों को गुंडों ने लिया है पकड़, अब हीरो मारेगा एंट्री जिसे देखकर आप हो जाओगे सेंटी। सीखो, कुछ सीखो, सीखो इन भाई साहब से। हमारे पास दोनों पैर होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, और इनके पास दोनों पैर नहीं है तो भी ये शक्तिमान बने हुए घूम रहे। पहली बात तो ये कि इसको धक्का देकर उड़ाया किसने, उड़ाया सो उड़ाया, लेकिन गोली चलने से ये सारे गुंडे लोग क्यों भाग रहे हैं। वो तो सिर्फ एक आदमी है, उसके पास बंदूक एक है, लेकिन तुम तो अनेक हो, बंदूक तुम्हारे पास अनेक है, फिर भी पता नहीं ये डर के क्यों भाग रहे हैं। पता नहीं, गोली चलाने का प्रोग्राम हो गया है खत्म। अब हीरो ने निकाला चाकू और लड़कियों को कर दिया आजाद। अब लड़कियां भी करेंगी लड़ाई, लेकिन इस ड्रेस में लड़ाई करने में होगी दिक्कत, इसीलिए पहले जाती है ड्रेस को करने चेंज। अयो, ये ड्रेस चेंज करते इन्होंने तो एक एक गुंडे को बाहर उड़ा दिया टेंट से जी। इसका मतलब ये गुंडा ड्रेस चेंज करने से पहले से ही अंदर थे। जिंदगी हो तो ऐसी हो। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। पवन जी रहे हैं दौड़, आगे पड़ा है ग्रेनाइट। इससे पहले कि आप अपना दिमाग लगाकर सोच लो सीन का आगे का अंजाम, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भोजपुरी है आपकी सोच से हमेशा दो कदम आगे। पवन जी ग्रेनाइट से एक कदम थे पीछे, तभी ग्रेनाइट हो गया बम और पवन जी पक्षी की तरह उड़ते हुए आगे निकलकर ग्रेनाइट के आगे आकर गिरे धम। और बड़ा कमाल का बम है जो ऊपर खड़े आदमी को भी सिर्फ कपड़े ही जला सका, हाथ पैर ना कुछ तो जलाता। अगर ऐसे ग्रेनाइट से आदमी को मारना होगा तो कितने ग्रेनाइट जाएंगे। हमें कंडीशन गिवन है 1 ग्रेनाइट = कपड़े में छेद, तो कितने ग्रेनाइट से होगा आदमी में छेद, कमेंट कर बताना। अब यहाँ देखो, जहाँ गुंडे पड़े हैं इनके पीछे, तभी ये मुंह कर लेता है इनका बंद ताकि गुंडों को सुनाई ना दे शोर। लेकिन ये कैसा मुंह बंद किया है, ऐसा मुंह बंद किया कि जिंदगी भर के लिए मुंह बंद हो गया। आइयो, ये गुंडा हवा में कैसे रुक गया जी? क्योंकि इसके ऊपर द लेजेंडरी हीरो केसारी जी खड़े हैं। केसारी जी हवा में कैसे? क्योंकि गुंडा हवा में और गुंडे के ऊपर केसरी जी, इसलिए केसरी जी हवा में। अयो जी, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना। लॉजिक तो इस सीन में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बनाया ना, तो आपको देखना पड़ेगा। ये तो गलत है ना जी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये पहले वाले को हवा में उड़ाया, दूसरा है तो उसको साइड में उड़ाया, और ये पहले वाले के ऊपर उड़ने का मजा लेने चले गए। आदमी है कोई एरोप्लेन थोड़ी, इसे देख कर तो ये विलन भी सोच रहा होगा ऐसी कौन सी फिजिक्स आ गई यहाँ पे जो मुझे स्कूल में नहीं पढ़ाई गई। बस बहुत हो गया, लात गुस्से मारकर बहुत से लोगों को हवा में उड़ा दिया। अब थोड़ा एक्शन में बदलेंगे और संगीतकार के संगीत साधनों से उड़ाएंगे इस बार हवा में। सौ ग्राम के डमरू ने तो इन्हें इतना धोया, इतना तो स्कूल में काम न करके ले जाने पे भी नहीं धोते थे। डमरू ने धोया तो सो धोया, लेकिन डमरू के धोने के बाद ये ऐसे उड़े हैं जैसे ये हो लाल दुपट्टा और डमरू हो तेज हवा का झोंका। लाल दुपट्टा उड़ गया यार, मैं हवा के झोंके से। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। Oh,
ये क्या हो रेला है? दिखता नहीं है, केसरी भैया झोला जला रहे। मेरे को उल्लू समझाए क्या? और क्या बोलूं, केसरी जी इसको हवा में उड़ा के एरोप्लेन की सैर करवा रहे हैं। और ये आदमी भी सोले फिल्म का ठाकुर क्यों बना हुआ है? दोनों हाथ होते हुए भी फिर भी पता नहीं इस्तेमाल क्यों कर रहा है, लगता है इसे भी उड़ने में मजा आ रहा है। केसरी भैया नीचे छोड़ दो, लड़की इंप्रेस हो गई है, वरना पूरी रात झंडू बम हाथ के रगड़ते ही रह जाओगे। और ये अंधेरी रात में दौड़ते हुए आ रहे नीरवज जी, इनके पीछे पड़ा है शेर और इनके हाथ में बच्चा। अब इसे बचाने के लिए नीरवज जी लगाते हैं अपना 250 ग्राम का खाली भेजा। अबे अकल के अंधो सर के गंजो, बच्चा है कोई फुटबॉल थोड़ी है जो इधर से उधर उसके साथ खेले जा रहे हो। अबे तुम्हारी हरकतें देखकर तो बच्चा भी कह रहा होगा मुझे शेर के हवाले कर दो, कम से कम उसकी भूख तो शांत हो जाएगी। तो फिल्मों के अंदर गुंडे भाई लोगों को ऐसे ऐसे उड़ाते हैं कि जिन्हें देखकर वो भी कहते हैं कि मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। और अगर गलती से वो हीरो को दबोच भी लेते हैं तो उसे अपने माँ बाप पापा सबकी याद आ जाती है और सबको एक साथ हवा में उड़ा देता है। नहीं तो मैं आज तक पतंग भी नहीं उड़ाएगी जिंदगी में, जितने इन्होंने अपने लोगों को उड़ा दिया होगा। और समझ नहीं आता है कौन से दुर्गेश टेलर से अपनी शर्ट सिलवा के लाते हैं जो कि उड़ाते ही फट जाती है। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ लोगों के साथ ही खिलौने की तरह नहीं खेला जाता है, बल्कि यहाँ की गाड़ियों के साथ भी खिलौने की तरह खेला जाता है, जिन्हें जब चाहे जैसे चाहे उड़ा के पटका के जला सकते हैं। ब्लास्ट के साथ आज के वीडियो का कंटेंट भी ब्लास्ट हो गया है। मैं भी चलता हूँ, जो मेरी आंखों ने इतना जहर देखा है इन आंखों को फिनाइल से धोता हूँ और सोता हूँ। और कल मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब का बटन भी जाना मत, और अगर कोई कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना।